इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ससुराल वाले निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर ने किया मृत घोषित, मृतका के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काशीराम कॉलोनी हेबतपुर गडिया थाना का ये मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद मुहीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में ये जो मामला सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी जैसा कि सर, ये फरुखाबाद के थाना मतदाता के अंतर्गत हेबतपुर गड़िया का ये मामला है कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, जबकि उसके स्वजनों का कहना है कि आत्महत्या नहीं, इसकी हत्या की गई है। जी सर, और जिस प्रकार से मुहिद परिजनों का ये कहना है कि ये हत्या की गई है, तो अब पुलिस ने इसमें क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने अभी तक तो जो है पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, और ये कहा गया कि परिवार जनों के द्वारा जैसी भी तहरीर दी जाएगी, तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, और इसमें एक मैं आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जो मृतका के परिजन है उनका क्या कुछ कहना है अब? मृतका के परिजनों का कहना है कि ये जो है आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की गई है। जी, और वो क्या कुछ कार्रवाई इसमें करवाना चाह रहे हैं? वो परिवार जन ये कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि जो भी दोषी है इसमें कार्रवाई जांच करके पुलिस द्वारा दोषियों को के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या का जो मामला है वो सामने आया है, और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और काशीराम कॉलोनी हैबतपुर गडिया थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और पुलिस है वो इसमें पूरी जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 21।